कमला जी, हमने देखा यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं आपके पास, आपका इंटरव्यू करते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, ऐसा क्यों? गांव की महिला कमजोर रात की स्कूल में पढ़ी लिखी भी वो इंजीनियरिंग को काम कर सके, तो बस सुन सुनार आवा का देखा नहीं वास्तव में सही है कि नहीं है, तो ये की वजह में आवा फोटो करे शूटिंग फोटो खाचे और शूटिंग करे और मन पूछे अब मैं बताऊँ मन आवे जो सब। मैंने मेरा बाल विवाह रुकवाया तो उस पे मेरे को ब्रेवरी अवार्ड मिला। जैसे मैंने कहा कि आप मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं तो मैं 100 नंबर पे फोन कर रही हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने पहले तो कहा कि हिम्मत कर तू 100 नंबर पे फोन, तेरे को शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि नहीं मैं करूँगी, तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हाँ बुला ले, हमें डर नहीं लग रहा है किसी से, थानेदार आओ चाहे कोई भी आओ हमें डर नहीं लग रहा है। तो फिर मेरे को फिर धमकी दी उन्होंने कि अगर तू 100 नंबर पे फोन भी करेगी ना तो हम तेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और हम तेरी शादी करेंगे। तो मुझे तो थानेदार जी ने कहा था तो मुझे तो किसी बात की डर नहीं थी, तो मैंने तो डायरेक्ट फिर मैंने कहा कि इनको क्या समझा रही हूँ मैं, सबसे पहले तो मेहमान को भगाऊँ यहाँ से फिर इनको समझाऊंगी। ले उठो के तो शराते जाते हो, शराबे नाम लावे रिया, कोई अनोरे भाग टूट हुई वे मौत आज हुई वे तो मैं इलाज करो, मन गवर्नमेंट नहीं आवे डॉक्टर नहीं आवे मौके मैं आते इलाज करो। भेड़ बकरी भाग टूट होती है तो मैं बना पाटा बदो, पाटा बदे बना इलाज करो, वन में कोई जड़ी बूटी लावे ने दियो तो वनती इलाज वे हमने एकदम फसो पग जुड़ जाए। मैं जब प्रधान रही तो मेरे लिए तो जात पात ये सब बराबर था, मैंने उसमें कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन मुझे अपर कास्ट के लोगों से काफ़ी विरोध सहन करना पड़ा कि आप नीचे जाके घर में पानी पीते हो या खाना खाते हो इस तरह के, ये बात गलत है। सिर्फ देवता के जो कारकुन थे मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि देवता का जो चेला होता है, जो गुर होता है जिस पे देवता की सवारी आती है, जिसके अंदर रह के देवता बोलता है, वो लोअर कास्ट का होता है और वो काफ़ी सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। अगर देवता किसी लोअर कास्ट के आदमी के शरीर को ही प्रयोग करता है, उसके अंदर घुस के वो उसकी जबान से बोलता है, तो मेरे उस घर में खाना खाने से क्या प्रॉब्लम है? लांटेन है ना, एक मैं कहीं डाला पे ये बैटरी है ना, बारिश 12 वोल्ट की छोटी। कैसी लांटेन है? सौर ऊर्जा। कैसी है? सौर ऊर्जा। शादी तो माँ की 3 साल की कर दी मारी बाणा के साथ में, और 19 साल की बाद में माँ गुणा करिया। नाइट स्कूल खोलना पड़ रहा, जन दिन में कामकाज गरीब बच्चा तो बेन मौको कद मिले दिन ना जवा मन, तो बेगा माँ बाप जो मजदूरी करे तो भी का कोई घर में एक गाय है कोई एक भैंस है, तो अभी गाय भैंस न कुण देखा तो ये के लिए छोरा छोरी पढ़वा भेजा को ना, तो दिन में बहन मौको ही नहीं मिला गरीब आदमी ने, दिन में मौको नहीं मिला तो बस बार ब्याह कर लिए संस्था है, रात की स्कूल खोली भाई बभी अन पढ़ नहीं रहे जान बार मोह पहली भैंसे चराती, ये रात संस्था है स्कूल नहीं खोलती तो मैं भी बिल्कुल ही कौन पढ़े रहती, आज मैं भी रात की स्कूल में 5वीं पढ़ी। गाँव में मीटिंग करी शिक्षा समिति की साथ में गाँव का साथ में, तो वह क्या भाई का कोई महिला चावा माना पडेड़ी का, तो जो 5वीं पडेड़ी हो तो वह छोरा छोरियन पढ़ा ले, तो महिला करना छोरा छोरी छोरियन लड़कियों की संख्या ज़्यादा अनपढ़ है गाँव में, बेटन तो भेज दे बेटियन भेजता को ना, मीटिंग कर तो भाई एक बा है रात की स्कूल में पडेड़ी है कि वाह कमला तो वाह पढ़ा सका, तो बस मैं भी स्कूल चलाई।
फिर बाद में सोलर को प्रशिक्षण बन के दिया तो भिंजरवाड़ा सोलर को प्रशिक्षण आ गया, तो भी मैं फिर मैं दो महिला चुनी, दूसरी तो तैयार हो गई ना, फिर मैं तुम्हारा ससुरा जी थोड़ा पढ़े लिखे समझदार आज भेजती है। हमारे स्कूल में क्या है कि छठी कक्षा में 24 लड़के हैं और मैं एक लड़की हूँ। मुझे सबसे पहले तो करनी है पढ़ाई, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मेरी उम्र पूरी हो जाएगी, फिर मैं शादी करूँगी। हमारे जो पड़ोसी संस्था वाले हैं वो हमें गांधी सागर घुमाने ले जा रहे थे। सबसे पहले तो मैंने तो मेरे पास वाले जरिए डक भी नहीं देखा था कि डक कैसा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे गांव का स्कूल कैसा है, ये भी नहीं देखा था मैंने। और मैं पहले जैसे बस से मैं बहुत डरती थी, मैं समझती थी कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं बस को ऐसे समझती थी। हमारे सर हैं, इन सर ने कहा कि कांग्रेस तुम्हें थाने में कोई प्रश्न करने होंगे, क्या कर लोगी? तो मैंने हाँ कर दी कि हाँ मैं करूँगी। जो ये बाल विवाह जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा समझाइए। वो थानेदार जी ने कहा कि आप है ना हमें 100 नंबर पे सूचना कर सकते हैं, तो उस पर हम आपकी मदद कर सकते हैं। 100 नंबर पे जो ही हमें सूचना मिलेगी हम तुरंत मौके पे पहुँचेंगे। और तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं, तुम आराम से बाल विवाह रुकवा सकती हो। फिर मैं गांधी सागर भ्रमण से जब घर आई, तब उसी समय मेरे घर पर मेहमान बैठे हुए थे, तो मेरे को पता नहीं था कि ये मेहमान मेरी शादी पक्की करने के लिए आए। तो मैंने बस्ता रखा जाके और मैंने पूछा कि मेहमान कौन है, तो मेरी बड़ी वाली जो दीदी है गुड्डी, उसने कहा कि ये तेरी शादी पक्की करने के लिए आए। तो फिर मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे तो पढ़ना है। फिर मैंने आखिरी में जाके मेहमान से कहा कि अगर आप भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हो तो मैं 100 नंबर पर फ़ोन कर दूँगी। तो मेहमान बोले कि लड़की कड़क है, हम तो इसे शादी नहीं करें, और खाना खा रहे थे, खाना छोड़ दिया और गुस्सा करके उठ के चले गए। हमारा कुत्ता जी ये करता का इलाज, गाय और बेवरान करता इलाज के, मैं साथ साथ जाती देखती 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 वो मन ही ध्यान पड़ियो कि हमारे पिताजी ने मैं पूछती कि वो कोई है, कोई दे रही है गाने, तो वे बोलता है कि वो दवा दे रही हो, फटकरी दे रही हो, गल दे रही हो, तेल दे रही हो, हल्दी दे रही हो, वे बताता मैंने। बड़ा देखा देखी फसल मैं करनी सलू बेगी। जब प्रधान बनी तब मैं 23 साल की थी और हिमाचल में सबसे छोटी प्रधान थी। तो एक छोटी लड़की जो कि एक पूरी पंचायत की मुखिया है, 600 परिवार की मुखिया बनाया गया है, जिसे 600 परिवारों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, गांव उस पंचायत में क्या काम होने उसके बारे में ध्यान रखना है, तो एक बहुत मुश्किल काम था। और मुझे उसमें टिके रहना और भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि मैं प्रधान बनूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा जो है स्ट्रगल करना पड़ा। या गाँव में कोई फैसला लेना है, कहीं मैं ये फैसला गलत ना ले लूँ, उसके बारे में मुझे बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन लोगों का अपने ऊपर विश्वास जमाने के लिए मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े जिसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, या बहुत इमोशनली स्ट्रगल भी करना पड़ा, फाइनेंशियली भी करना पड़ा। जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके साथ अन्याय हो रहा, मैं प्रधान थी तो मुझे न्याय करना है, मुझे दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका भी बहुत प्रेशर है कि आप ये करोगे तो आपको हम गाँव से दूर कर देंगे, आपको आप गलत कर रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि मैंने ठीक किया है और उस स्ट्रगल का मुझे ये फायदा हो कि आज लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। इसके अलावा जो टिम्बर माफिया उस दौरान बहुत था कि रात को ट्रैक्टर जो है वो चले जाते थे, यहाँ से बिक जाते थे और पता नहीं चलता था, जंगल खाली हो रहा था। तो हम लोगों ने जो युवक मंडल ऑर्गेनाइज़ किए थे, महिला मंडल ऑर्गेनाइज़ किए थे, रात को आधी आधी रात को हम बैठे रहते थे, जिसमें भी हमें गांव वालों का बहुत विरोध का सामना करना पड़ा और कई बार हमें विभागीय विरोध का भी सामना करना पड़ा है। जो सामाजिक काम होते हैं इनका समय तो निर्धारित होता नहीं, लेकिन जो समय निर्धारित होता है उसमें मैं प्राथमिकता देखती हूँ कि घर के काम की अभी ज़्यादा प्राथमिकता है या फिर जो मेरा काम है उसकी ज़्यादा प्राथमिकता इस वक्त है। तो मान लीजिए जैसे घर में स्प्रे का काम है अभी, जो कि सीज़न भी है और उसका एक निश्चित समय है, उसमें अगर स्प्रे नहीं हुई तो हमारे सेब खराब हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये करूँगी, घर में स्प्रे करवाऊँगी या जो भी घर वालों की मदद करनी है वो करूँगी। अगर इसके अलावा मुझे लगता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाना है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है या कुछ और काम है जो बहुत ज़रूरी है, इसका भी समय निर्धारित है, तो घर में मैनेज कर सकती हूँ। बेटा बेटी के लिए तो वक्त तो कम ही निकला है, मतलब ज़्यादातर कदमपुरा में रहना पड़ा गाँव के साथ, बड़े महिलाओं के साथ, सबके साथ में बड़ी फील्ड में ही काम करना पड़ा मन। तो अब आप पूरी जिम्मेदारी मन दे दी तो घर थोड़ा रोज नहीं आ सकूँ, मैं हफ्ता में एक बार या दो बार आ सकूँ, घर नहीं आ सकूँ। पहली बार तो यहाँ लागे अटपटो लागे जाने, आप सीख नहीं सका, आप तो कहीं पेड़ा को ना भी थोड़ा ए बी सी डी अंग्रेजी में आ कंपोनेंट का नाम भाई, आई सी ट्रांजिस्टर जीनो डायोड कैपेसिटर ट्रांसफार्मर, तो मन लग गया आपने तो कतई नहीं सीखनी, आप तो उत्ता पेड़ा को ना पुण फिर मैं सरल तरीका हूँ ट्रेनिंग दी, ए बी सी डी सिखाई, बाद में भी एक एक का कंपोनेंट का नाम बताया, तो बस सरल तरीका हम सीखी। पहली लांटेन बनाई तो मैं देखी भाई पता नहीं आई इंटरेस्ट कह रहा जो चाली या नहीं चाली, जब बिना बिल्कुल कंपोनेंट रजिस्टेंस आई सी जिन डायोड सब लगा ट्रांजिस्टर, बाद में बिना टेस्ट करी ना जब भाई एकदम ओके चाल गई तो खुशी हुई भाई जाने आप भी बना लिया लांटेन। तो इमें कत्ता कंपोनेंट लगे लाडा हीट सिंह मैन का लगा भी लिया ट्रांजिस्टर। वर्कशॉप चलाया तो गाँव की महिला जो दूसरा फील्ड सेंटर है, जन कदमपुरा फील्ड सेंटर है, जन दूसरी जगह का फील्ड सेंटर है, तो बड़ी चुन चुन महिला ने बेजाद बेन ट्रेनिंग दी। फिर 15 दिन तक मुझे प्रभाशाला में पढ़ने नहीं जाने दिया। धीरे धीरे मैडम को पता लगा, मैडम ने पूछा कि कांग्रेस क्या बात हुई बेटा, बताओ मुझे तुम प्रभाशाला क्यों नहीं आ रही। तो फिर मैंने ये सारी बात उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि चल मैं तेरे घर वालों को समझाती हूँ। फिर मेरे मम्मी पापा को समझाया कि बाल विवाह मत करो, ये इसकी पढ़ने की इच्छा है तो इसको पढ़ाओ। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से द दैट माय फादर इज ए ट्रांसफर टीचर। हमारी बेटी भी तो कुछ बन सकती है, मैडम ने मेरी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी के समझ में आ गया, तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ लड़कियाँ कर सकती है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हाँ हम कांग्रेस को पढ़ाएंगे और जब तक ये 18 साल की ना होगी नहीं, जब तक इसकी शादी नहीं करेंगे और ये जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। बुलावा आवे देसी इलाज करवाने वास्ते बुलावा आवे के क्यों के मोन लोको गन्ने डॉक्टर कम आवे। आज हमें लाटाड़ा थी मम्मी लाल जी ने बुलावा आया, जब कहा मौके ना कोई साजन नहीं है तो साइकिल पे गया और बेटा ऊटर इलाज करने आया।
हम दवाई देने आया, ऊँट बीमार पड़ गयो। दवाई दी मैंने, फटकरी दी हॉड ने थोड़ा गाढ़ हल्दी वो देने आया। बात हो रही बीमार रहती, डुबली डुबली रहती, सर्दी कम, सारा कम खाती। स्कूल जाओ मजूरी करो, में मजूरी करने में काम कर मैं घर सलाह रिया, और पशुपालन तो मैं सेवा करूँ, स्कूल में खाना बनाऊँ मैं टाबरों ने, खाना खिलाऊँ टाबरों ने, बट स्कूल में जाने में मजूरी करो कोई, पशुपालन तो सेवा करो मैं आटा तो कोई मिले ही नहीं, खाली कोई खेतों में जाओ मैं काम करो, खेतों में वाड़ो, कोई बाजरी काटो, यू फसल काटवाने जाओ मजूरी माते। देवताओं का एक अपना अलग से रोल होता है, चाहे हम पर्यावरण में गए या दूसरी चीज़ों में गए, जैसे कि कहीं जंगल है जो देवता के नाम से है, अगर उसमें अवैध कटान हो रहा है लेकिन देवता के डर से वहाँ पे अवैध कटान वगैरह नहीं होता है। और दूसरा एक ये कि अभी हाल ही में स्की विलेज की बात उठी, स्की विलेज के लिए जो भी ज़मीन वहाँ पे ऑक्यूपाई की गई थी कंपनी के द्वारा, उस ज़मीन में काफ़ी सारे देवताओं का वास है, तो उस पर लोगों ने विरोध जताया, और जिसमें बैली के जितने भी देवता है और उनके जितने भी कारकुन थे सब ने इकट्ठे होकर एक बड़ी जनसभा की, और जिसके माध्यम से लोगों को बल मिला। लेकिन आप मारे अपने किस लेवल पर गल बोलूं आऊं कि जल जंगल जमीन जानवर जन जन मतलब मान, अगर इन पांच जो ए पांच जो ऐसा कि ए एक दूसरे संग जुड़े ऐसा, जंगल नहीं होले जानवर नहीं होना, जानवर नहीं होले आगे जमीन नहीं होना, सही जमीन नहीं होली मानू नहीं होना, मानू नहीं होला। पहाड़ के लोग जो हैं वो पूरी तरह से जल जंगल और ज़मीन के ऊपर और जानवर के ऊपर निर्भर हैं, और इनकी रोज़मर्रा की जो आजीविका है या लाइवलीहुड हम कहें वो इसी पे निर्भर है। बहुत कम लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। तो पहाड़ देखिए, पहाड़ यहाँ पहाड़ों में आके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, मान लीजिए हाइडल प्रोजेक्ट है, स्की विलेज की बात आ रही है, कोई स्किल कंपनी आ रही है आके पहाड़ों को ख़राब कर रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, लोग यहाँ से उठ के विस्थापित हो रहे हैं, भाखड़ा बांध के लोग विस्थापित किए, आज तक उनको कोई न्याय नहीं मिला, आज तक ज़मीनें उनके नाम नहीं लगी, और पहाड़ में रह के जहाँ हज़ारों लोग दिन में जाके लाखों रुपया कमाते हैं, अपने घर की चूल्हा जलाते हैं, वहाँ पे आगे एक कंपनी कोई अपना होटल या कोई स्की ले जाके बना देगी तो वो लोग वहाँ से बाहर हो जाएंगे, उनकी भेड़ें बकरियाँ जहाँ चरती हैं वो वहाँ से बाहर हो जाएंगी। तो इनको बचाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जो व्यवहारिक रूप से हमने देखा है कि जंगल जब तक लोगों के हाथ में था तब तक तो वो सुरक्षित रहे, और जैसे ही वो सरकार के हाथ में गए या विभाग के हाथ में गए वैसे ही जंगल जो वो नष्ट होते चले गए, क्योंकि लोगों को लगा ये हमारे नहीं है ये इनके हैं, तो जो ये संभालेंगे ये संभाल रहे हैं तो हमें इनको काटना चाहिए। तो लोग इसमें लोगों का मैं दोष इतना नहीं मानती जितना कि सरकार ने लोगों को जंगलों से बाहर कर दिया है। अब नहीं मिला जाड़न कभी सामने। अब हार तो सोलर की नहीं है जिम्मेदारी, साथ साथ में पूरा फील्ड सेंटर की कोऑर्डिनेटर हूँ, पूरा प्रोग्राम ना की देखभाल करूँ, फील्ड में काम करना पड़ा, जहाँ महिला ग्रुप है, एजुकेशन रात की स्कूलें चल है, धनमा करेशन चल है, सिलाई प्रशिक्षण चल है लड़कियों को, तो वे साथ में काम करना पड़ा, फील्ड में रहना पड़ा। सात गाँव में करेस चल रही बार 25-30 की छोरा छोरी की ये करेस में संख्या रहे बच्चे बच्चे। कि मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा काम कर सकूंगी, कि मैं ऐसा काम करूंगी, मैं इतनी आगे बढ़ूंगी, और मैं दिल्ली पर हाथी पर बैठूंगी, वहाँ पे मेरी सवारी निकलेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर तो मुझे ऐसा लगा कि
मैं जैसे भगवान से मिल गई हूँ, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री से मिल जाऊंगी, और फिर वो मेरे को सम्मानित कर रहे, तो मेरे को और भी बहुत अच्छा लगा। पहला ऊँट है था, भेड़ है थी, बकरी है थी, गाय है थी, भैंस है थी, हमें सभी समस्या खत्म है। पहला मैंने जंगल में रसीद कटती, मनोर रुपये 800 लेता, मनोरी पक्की रसीद देता सरकार, वे रसीद भी मारे बंद है। जंगल में सरता तो जंगल में हमें जावा दे नहीं, सब जंगल है तो जंगलात वाला जंगलत कट रहे, जंगल कटाई कर दी सब। लोगों के पास खेती करने 100 खेती करने 200 खेती करने 300 भेड़ बकरी खेती, पशुपालन पाला वाला लोगों के मरने गंदे जमीन नहीं, जगह नहीं, कोई नहीं है, तो मैं खाली बस ये पशुपालन ही पालता, तो ये पशुपालन की समस्या खत्म है, तो बस मोरा में कोई मैं कोई आधार नहीं है। जो ये पहले की समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए टूरिस्ट मनाली में आता है, कश्मीर में प्रॉब्लम होने के बाद बहुत सारा टूरिस्ट जो शिमला कुल्लू मनाली घूमने आता है, लेकिन यहाँ भी जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ भी जो भी अच्छे रमणीय स्थल हैं, वहाँ पे अब गंदगी बढ़ती जा रही है। ये सोलंग नाला को ही देख लीजिए, आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे काफ़ी हरियाली होती थी, काफ़ी पेड़ थे और वातावरण काफ़ी शुद्ध और साफ था, गंदगी कहीं भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज देखें यहाँ पे काफ़ी भीड़ नज़र आती है, चारों तरफ गंदगी नज़र आती है, और जो हरियाली थी यहाँ पे वो भी कुछ खास नज़र नहीं आती है, और दिन प्रतिदिन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और उसको नष्ट करके चले जाते हैं, और स्थानीय लोग और डिपार्टमेंट का इसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि जो उसको संभालें। वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑप्शन है कि टूरिज़्म से लोगों की जीविका चलती है और अच्छे तरीके से चल सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना सरकार के बस की बात भी नहीं है अब, और बहुत सारे लोग जो बेरोज़गार हैं यहाँ पे। आज तक भी देखिए कि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ, घोड़ा, याक, स्लेज, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ लोग करवाते हैं और उसमें अपनी आजीविका चलाते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं। इसको अगर रूरल टूरिज़्म के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि फिर लोगों से इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा और उनका अपना एक मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, और जब तक जो भी चीज़ लोगों के हाथ में रही है वो बची है, चाहे आप जंगल को उदाहरण के लिए देख लीजिए, जब तक जंगल लोगों के हाथ में थे वो बचे, और जैसे ही लोगों के हाथ से जंगल निकले जंगल ख़त्म हो गए, उसी तरह से इन स्थानों को अगर बचाना है तो लोगों को जहाँ से आमदनी होती है, जहाँ से उन्हें कुछ मिलता है, तो उस चीज़ को बचाए रखने में वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उन्हें लगता है कि हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है तो हमें इस चीज़ को बचाना भी है। दोहरा मेरे मन में कि एक तो मैं बनना चाहती हूँ कलेक्टर और दूसरा इंजीनियर, क्योंकि मेरे को इन दोनों का बहुत शौक है कि ये बनकर मैं मेरे पूरे झालावाड़ ज़िले में ऐसा कर दूँ कि झालावाड़ ज़िला पिछड़ा हुआ नहीं रहे और इसमें बाल विवाह भी नहीं हो। बस मैं क्या सिखाऊँ मेरे बेटी को, ये तो जंगल बंद हुआ तो सब मर जाएगा, तो फिर माँ बेटी क्या सीखे। हम कितने लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए काफी नहीं है, तो इसके लिए हमें सिस्टम में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हाँ सर, हेलो, बाहर मारो एंट्री चल रही, बाद में बात करूँगा, ठीक है।